गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे और बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप, उम्मीद है मेरे को तुमसे ठीक है। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने वाशिंग सोडा जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली, वो वीडियो देखी। लास्ट की स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है मैंने ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट में टॉपिक जो बात करूंगा वो आज अपने पास में क्या है, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की हम बारे में बात करेंगे ठीक है। तो सर, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का टर्म क्या होता है सर, होता है क्या है वो सर? कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर विद हाइड्रेट्स प्रेजेंस होते हैं। मतलब अगर साल्ट विद एडिशन, अगर साल्ट के अंदर अगर मैं एडिंग करवा दूं वाटर मॉलिक्यूल की, तो उस दौरान बनने वाले जो हाइड्रेट कंपोनेंट जो ड्रम होते हैं, उन ड्रम को हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से अपने को जानते हैं। तो ये कहता कि सर मेरे पास में ऐसे बहुत से साल्ट हैं ठीक है, जो अपने को ऑब्टेंड होते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं किस फॉर्म में? बस सर हाइड्रस फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलते हैं अपने को? हाइड्रेट साल्ट फॉर्म में मिलते हैं, हाइड्रेट साल्ट फॉर्म में मिलते हैं ठीक है। तो कुछ वो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं एक दो है, बहुत सारे ऐसे साल्ट अपने पास में होते हैं जो अपने को किस फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं? हाइड्रेट साल्ट फॉर्म में क्या होते हैं सर? अपने को ऑब्टेन होते हैं। फिर क्या क्या करना है साल्ट के साथ में? अगर साल्ट के अंदर क्या प्रेजेंट हो, अगर वाटर मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट होता है, मतलब साल्ट विद वाटर एडिशन जो होता है उस टर्म को, साल्ट विद वाटर के एडिशन टर्म को हम क्या बोलेंगे यहां पर? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं ठीक है। मतलब क्या है कि द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन साल्ट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन साल्ट क्या कहलाता है? ये टर्म कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ठीक है, प्रेजेंट किसके साथ में? और इन साल्ट द टर्म इट्स कॉल्ड ठीक है, टर्म इट्स कॉल्ड क्या कहलाता है? वो टर्म क्या कहलाता है? वो टर्म कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ठीक है। अब उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल मैं इसके लिए आपको समझा देता हूं। मतलब कॉमन सी बात है, अपने पास में ना कॉमन सी बात है, जो कंपोनेंट वाटर के साथ, जो साल्ट वाटर के साथ में प्रेजेंट होता है उसको हाइड्रेट साल्ट या हाइड्रस साल्ट के नाम से जानते हैं, और जो विदाउट साल्ट, मतलब विदाउट वाटर, मतलब वाटर के बगैर जो साल्ट प्रेजेंट होते हैं उन साल्ट को हम किस नाम जानते हैं? एनहाइड्रस साल्ट के नाम से जानते हैं ठीक है। जिनमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता जिस साल्ट के अंदर, वो एनहाइड्रस साल्ट, और जो वहां वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है सर? हाइड्रस साल्ट कहलाता है। तो उस हाइड्रस को एनहाइड्रस में भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अंडर किस कंडीशन में? थर्मल कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? एक हाइड्रस साल्ट जो होता है या हाइड्रेट जो साल्ट होता है वो अपने आप को एनहाइड्रस में चेंज कर सकता है अंडर थर्मल कंडीशन में। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिमूव हो सकते हैं अंडर हीटिंग कंडीशन के अंदर। पर जब वाटर मॉलिक्यूल जब उसमें से रिमूव होगा ना, तो हाइड्रस और एनहाइड्रस दोनों की कलर प्रॉपर्टी में क्या आएगा? अपने को बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका एक मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं कॉपर सल्फेट ठीक है विद 5H2O। क्या है कॉपर सल्फेट अपने पास में? कलर कैसा है? ब्लू विट्रोल, समझे मेरी बात को? ब्लू कलर इसका होता है। कैसा साल्ट है? वो सर हाइड्रेट साल्ट है, समझे मेरी बात को? और इस हाइड्रेट साल्ट का मैंने क्या करवाया? हीट दे दी, मतलब मैंने क्या करवाया यहां पर? थर्मल डीकम्पोजिशन ठीक है। क्या करवाया हमने इसका? थर्मल डीकम्पोजिशन करवाया। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया? रिमूव हो गया। ये देखो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो ये हाइड्रेट साल्ट किसमें चीज हो गया? अब कॉपर सल्फेट ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कंपोनेंट है, पेंटाहाइड्रेट कंपोनेंट था ठीक है, ब्लू कलर का ठीक है। अपने पास में ये कॉपर सल्फेट बना ठीक है, बट इसका जो कलर है वो कैसा कलर निकल के आया? ये कलर आया ग्रीन व्हाइट कलर। मतलब जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा
इसकी कलर प्रॉपर्टी में क्या आएगा सर बदलाव, और यहाँ पर हाइड्रेट साल्ट में तो अपने आप को किसमें कर लेगा एनहाइड्रेट साल्ट में क्या कर लेगा अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है एनहाइड्रेट साल्ट। तो ध्यान रखना कि हाइड्रेट कंपोनेंट और एनहाइड्रेट कंपोनेंट जब एक कंपोनेंट एक ही साल्ट कंपोनेंट अपने आप को एनहाइड्रेट में चेंज करता है तो उसकी कलर प्रॉपर्टी में क्या आता है सर चेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और एडिशन ऑफ वाटर किसी साल्ट के साथ में वाटर का एडिशन होना द टर्म इट्स कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपने को कहलाता है, समझे मेरी बात को। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं यही टर्म वापिस अगर फर्दर अगर मैं इसका एडिशन करवा दूंगा वाटर का तो वापिस से अपने पास में ग्रे व्हाइट साल्ट कलर जो साल्ट है वो अपने आप को किसमें चेंज कर लेगा ब्लू विट्रोल में क्या कर लेगा सर चेंज कर लेगा। तो इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आई होप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एग्जांपल आपको याद रखना है, क्या बदलाव आता है ये आपको याद रखना है, होता क्या है ये आपको याद रखना है, उसका एग्जाम्पल क्या है ये भी आपको याद रखना है, समझे मेरी बात को। चीज़ों को समझें पढ़ें ईमानदारी से काम करें, बेईमानी चलेगी नहीं एजुकेशन के अंदर, पता ना तुमको कोरोना ने पहले ही हालत खराब कर रखी है अच्छों अच्छों की, समझे। तो इसलिए अगर अपने आप का अपना लेवल अपना अपने आप को क्या रखना अगर मेंटेन रखना है लेवल अगर मेंटेन रखना है अपने आप को उसी पोजिशन पर रखना है तो आपको पढ़ना होगा अदरवाइज, ठीक है समझाओ आप समझदार हो सभी बच्चे, ठीक है। तो ये बात किया हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इस टॉपिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है क्या फॉर्मूला होता है कैसे बनता है वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इसके अंदर और उसके यूज बताऊंगा, इसके बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नया चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्या अपने पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी क्या टर्म है, ठीक है। तो क्या है अपने पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। फिर वो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जनरल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ एच टू ओ, ये फॉर्मूला होता है किसका पीओपी का, ठीक है। तो ये बात की हमने अपने पास में इस टर्म को लेकर इसको हेमी हाइब्रिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एक कैल्शियम के साथ में क्या है हाफ मॉलिक्यूल वाटर का है, समझे, ठीक है। तो अब कैसे बनता है उसकी हम प्रिपरेशन आपको दिखाते हैं, प्रिपरेशन कैसे है सर इसकी सुनना। बस सर ये मैंने लिया कैल्शियम सल्फेट मैंने लिया, ठीक अपने पास में, और कितने मॉलिक्यूल सर 2H2O, समझे। ये होता है जिप्सम, ठीक है क्या अपने पास में ये सर ये जो अपने पास में है वो क्या है वो सर जिप्सम है, ठीक है। अब जिप्सम का जब मैंने क्या करवाया थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करवाते हैं जब थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं जिप्सम का तो मुझे मिलता है कैल्शियम का सल्फेट हाफ एच टू ओ और 3/2 H2O क्या हो जाता है बाहर और क्या मिल जाता है पीओपी मिल जाता है, ठीक है। और फिर आपको पता है कि जब मैं वही टर्म रिवर्स वाला टर्म फिर से अपने को फॉर्मेशन हो सकता है कि अगर मैं फर्दर रीमिक्सिंग कर दूं किसके साथ में ऑफ वाटर विद पीओपी तो वापिस क्या बन जाएगा बस वापिस जब कैल्शियम हाफ एच टू ओ ये पीओपी है क्या करवाया वो 3/2 H2O समझ गए मेरी बात को वही एडिशन जब इसका होगा तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O और क्या बन जाएगा जिप्सम तो जिप्सम का फर्दर क्या हो जाएगा रिफॉर्म हो जाएगा ठीक है। तो मतलब ये भी हाइड्रेट कंपाउंड है साल्ट कंपोनेंट है फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हाफ एच टू होता है किससे बनता है जिप्सम से बनता है
जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो हाफ मॉलिक्यूल वाटर बच जाता है, 3/2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं सर, रिमूव हो जाते हैं। फर्दर एडिशन करवाएंगे तो पीओपी फर्दर वापस क्या हो जाती है, जिप्सम। मतलब हाइड्रेट्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल की अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ में अगर इंक्रीजमेंट अगर होता है तो वाटर मॉलिक्यूल का घटना बढ़ने से कंपोनेंट की नेचर में क्या आता बदलाव आता है। वाटर मॉलिक्यूल अगर हाफ एच टू है तो कंपोनेंट पीओपी कहलाता है, साल्ट कंपोनेंट। और वाटर मॉलिक्यूल अगर 2H2 है तो कॉमन सी बात है जिप्सम कहलाता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये टर्म हुआ अपने पास में क्या, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब मैं इसके साथ में बात कर लेता हूँ इसके यूज की, सर क्या क्या इनके यूज है, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। कि बोला सर इनका जो यूज होता है वो डॉक्टर करता है, क्या कर क्या करने में, वो सर प्लास्टर करने में, ठीक है। किसके लिए, वो सर सपोर्टिंग ऑफ फोर सपोर्टिंग, किसके लिए, किसके लिए, वो सर सपोर्टिंग करने के लिए, फोर सपोर्टिंग प्लास्टर, फोर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बॉन्ड्स, फ्रैक्चर्स बॉन्ड, ठीक है। जहां पर बोन टूट जाती है उस बोन को, टूटी हुई बोन को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो प्लास्टर करता है ना, तुम्हें से बहुत से बच्चों का टूटा हुआ होगा हाथ, ठीक है ठीक है, अपने आप को बचा के रखा करो ताकि इसकी नौबत ना आए, तो वहां पर क्या करता है प्लास्टर करता है। तो प्लास्टर में किसका यूज करते हैं हम, पीओपी का यूज करते हैं, ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट पीओपी का जो यूज होता है वो कहां होता है, सर इसका यूज होता है मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में इनका यूज होता है। किनका, पीओपी का, बहुत से ऐसे आर्टिफिशियल गैजेट्स आते हैं जिनका यूज हम घर में सजावट के लिए यूज कर सकते हैं, आर्ट एंड गैलरी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके इसके अलावा मटेरियल डेकोरेशन के अंदर इनका यूज होता है, डेकोरेट, ठीक है, घर का हाउस डेकोरेट में क्या होता है इनका यूज होता है, ठीक है। अरे करते हैं ना पीओपी घर में, फॉल सीलिंग हो, वैसे पीओपी करवानी हो, दीवारों पे करवानी हो तो ठीक है। और तीसरी खास बात घर में इसका, जब पीओपी होती है तो दीवार जो होती है ना वो स्मूथ हो जाती है, मतलब इसका जो यूज होता है पीओपी का वो सरफेस स्मूथ में भी क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, ताकि सरफेस क्या रहे सर, स्मूथ रहे, मतलब इस बोर्ड की तरह स्मूथ रहे, चिकनापन उसमें बना रहे, कहने का मतलब। तो ये है पीओपी और की कहानी। तो पीओपी क्या होती है मैंने आपको बताया, फॉर्मूला क्या है, क्या यूज होता है, डिकम्पोजन से बनता है, किसके डिकम्पोजन से, जिप्सम के डिकम्पोजन से क्या होता है सर, पीओपी का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई ही होंगी। यहां तक किसी बच्चे को इस पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत है तो आप पूछिएगा जरूर मेरे से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीजों का, ठीक है। जहां भी लगे कि कई बार क्या होता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार मेरे से भी मैं बोल सही जाता हूँ, लिखते वक्त गलती हो जाती है, तो वो थोड़ा सा आप मैनेज कर लिया करो, ठीक है। कई बार नहीं रहता है मैं बोर्ड पे लिखने वाले, लिखते वक्त तो चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ चीजें को अगर जहाँ भी लगे कि सर दिक्कत है, चीजें क्लियर नहीं है, तो आप पूछेंगे जरूर मेरे से, डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब मैं तुमको एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको करने हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपको करने हैं नोटबुक के अंदर, ठीक है। उसके बाद नोटबुक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे आपकी, नोट्स बनाते रहे साथ साथ आप, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो यूनिट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाली। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज आप पढ़ें, घर पे सेफ रहें, बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सबका बाय, टेक केयर, थैंक यू।